नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक ईडी के अधिकारी आलोक कुमार पंकज ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल मृतक आलोक भ्रष्टाचार के कथित आरोप में फंसे हुए थे। आपको हम बता दें कि ईडी में तैनात अधिकारी आलोक कुमार पंकज का शव 18 अगस्त को गाजियाबाद के गौशाला फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर मिला है। जीआरपी टीम को मौके पर ईडी अधिकारी का शव ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि ईडी अधिकारी ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या की है। हालांकि जीआरपी टीम को मौके से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है। जीआरपी की टीम की जांच से सामने आया है कि ईडी के अधिकारी ने रेलवे ट्रैक पर अपना सिर रखकर आत्महत्या की है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि शुरुआत में परिजनों ने जीआरपी को अधिकारी का केवल नाम बताया। उनके ईडी में अधिकारी होने की बात उन्होंने जीआरपी को नहीं बताई, जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आलोक रंजन 18 अगस्त की सुबह घर पर बिना बताए निकल गए थे और उसके बाद से वो लापता हो गए थे। परिजनों ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग पाया, जिसके बाद आलोक रंजन का बेटा पिता की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए नंदग्राम थाने पहुंचा। कुछ समय बाद ही परिवार को आलोक के शव मिलने की खबर मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने मुंबई के आभूषण कारोबारी के यहां छापा मारा था। पूरी कार्रवाई ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह की अगुवाई में की गई थी। आरोप है कि संदीप सिंह ने कारोबारी के बेटे को गिरफ्तार करने की धमकी दी, उसको छोड़ने की एवज में 20 लाख की मांग की गई थी। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई में दर्ज कर दी। 7 अगस्त को सीबीआई ने संदीप सिंह को दिल्ली के लाजपत नगर से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई के सामने संदीप सिंह ने आलोक रंजन का नाम लिया था। बताया जा रहा है कि आलोक रंजन तभी से तनाव में चल रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।